हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास एट्थ का चैप्टर नंबर 6 कम्यूज़न एंड फ्लेम की बात करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लास्ट वीडियो में आपने चैप्टर 5 को पढ़ा था, और उस चैप्टर 5 में आपने कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लिया था। आज उससे आगे की बात हम कर रहे हैं, कम्यूज़न एंड फ्लेम। जैसा कि आपको चैप्टर दिख रहा है, इस चैप्टर का नेम है कम्यूज़न एंड फ्लेम, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ओके, चैप्टर नंबर 6 है आपका कम्यूज़न एंड फ्लेम। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो, और स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि पहले इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करने के बाद में और लास्ट में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको भी करेंगे, और साथ ही साथ में वर्कशीट रहेगी। वर्कशीट भी 2-3 टाइप की मैंने तैयार की हैं, और उन वर्कशीट को भी हम सॉल्व आउट करेंगे, और कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस भी इसमें आ जाएंगे, और अपने रेगुलर क्वेश्चंस भी आ जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी वीडियोस देख सकते हैं। मैथमेटिक्स और साइंस को लेकर के ये चैनल है, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें मिल सकता है, यही कोशिश की गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, जो बच्चे कोई भी प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और उस ग्रुप पर ज्वाइन करने के बाद अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जैसा ही ये ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ पेड क्लासेस भी चल रही हैं मैथमेटिक्स या साइंस को लेकर के, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, उसके बारे में आपको चैनल पर बता दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 कम्यूज़न एंड फ्लेम। जैसा कि नेम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो फ्लेम होता है, यानी कि लौ बोलते हैं इसको, हिंदी में लौ बोलते हैं, जब हम जलाते हैं किसी भी चीज़ को, तो जो फ्लेम रहता है वो धुआं के रूप में निकलता है। ठीक है, वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पज़ एट होम इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। हम बहुत सारे डिफरेंट तरह के फ्यूल यूज़ करते हैं वेरियस पर्पज़ एट होम, घर पर, इन इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज़ में, एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, और ऑटोमोबाइल्स के रनिंग में, यानी कि कार हो गई, ट्रक हो गए, बस हो गई, इस तरह से कई सारी जगह पर हम फ्यूल को यूज़ करते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन अवर होम्स? तो लास्ट ही हमने यूज़ किया था, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG वगैरह, ये सब क्या हैं? ये फ्यूल्स हैं। तो ये इसमें आप फ्यूल लिख सकते हैं। व्हाट फ्यूल्स आर यूज फॉर द रनिंग ऑटोमोबाइल्स? तो डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। ओके, सो योर लिस्ट व्हाट फ्यूल्स आर यूज फॉर द रनिंग ऑटोमोबाइल्स। ओके, योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए जैसा कि बताया था वो सब इसमें आ गए। ठीक है, तो यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ ए कैंडल। आप परिचित हैं कैंडल को बर्न करने से, जलाने से। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक कोल? तो आपने देखा होगा कि उसमें से धुआं निकलता है, फ्लेम निकलता है, लेकिन उसमें से धुआं नहीं निकलता है। जैसे आप कैंडल को जलाते हैं तो उसमें से धुआं नहीं निकलता है, जबकि आप जो कोल है, कोयला है, या लकड़ी वगैरह है, या और भी चीज़ें हैं, काउडंग वगैरह है, उसको आप जलाते हैं, उपले कहते हैं उसको हिंदी में, और ग्रामीण परिवेश की बात करें तो कंडे भी कहते हैं, आप लोग परिचित हो सकते हैं उनसे। उनको जलाने पर क्या निकलता है? फ्लेम निकलता है, धुआं निकलता है। मे बी यू वर एबल टू गैस राइट, कैंडल बर्न्स विद ए फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट। ओके, सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट ए फ्लेम। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे क्या रहता है। व्हाट इज़ द कम्यूज़न? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7th। क्लास 7th में हमने मैग्नीशियम रिबन के बारे में डिस्कस किया था। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो मैग्नीशियम को जब बर्न किया जाता है Mg+O2, तो चेंज होकर के क्या बनता है? मैं रिएक्शन लिख रहा था Mg+O2। ठीक है, चेंज इन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, यानी कि MgO2। ठीक है,
तो इस टाइप से ये रिएक्शन बनती है। सो वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ द चारकोल, होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टंग्स एंड द ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ ए कैंडल ऑफ और ए बुनसन बर्नर। बुनसन बर्नर भी इसी टाइप का होता है, कैंडल के टाइप से जलता है, केमिस्ट्री लैब में देखने को मिलता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखते हैं आप? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर, वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट। ओके, सो सबस्टेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, अ सबस्टेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंब्यूजन। तो आपकी पहली हेडिंग हो गई कंब्यूजन, और कंब्यूजन की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सबस्टेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंब्यूजन। ओके, द सबस्टेंस दैट अंडरगोज कंब्यूजन इज सेड टू बी द कंबस्टिबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। द फ्यूल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंब्यूजन आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो। तो ये आपको पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है, लेकिन जो कम्यूजन की इस डेफिनेशन रहेगी वो केवल यहीं तक आ जाएगी। ओके, नोट्स इसी तरीके से तैयार करने। इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कम्यूस्टेबल सब्सटेंसेस। ओके, तो ये भी आपके पास एक डेफिनेशन बन जाएगी जब कभी पूछी जा सकती है कि कम्यूस्टेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं जिनको कम्यूजन किया जा सकता है, ऐसे फ्यूल्स को ही हम क्या कहते हैं, कम्यूस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। ओके, वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ ए फ्यूल फॉर अवर बॉडी। ओके, ये भी हम जानते हैं, राइट। सो इन अवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन टू रिएक्शन विद द ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, वी लर्न दैट इन क्लास सेवन्थ। क्लास सेवन्थ में हमने ये सब पढ़ा हुआ है। एक्टिविटी देखिए 6.1, कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक द स्ट्रॉ, मैच स्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन, नेल्स, स्टोन पीसेस, ग्लास एटसेट्रा अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। ये लैब में करनी है। ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटेरियल्स वन बाई वन, इफ़ कम्यूजन टेक प्लेस मार्क द मटेरियल कम्बस्टेबल, अदरवाइज मार्क इट नॉन कम्बस्टेबल। ठीक है, तो इन सबको करके देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने वीडियो के लास्ट में दिया है, इसमें क्या क्या फिल कर सकते हैं आप। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर दी कम्बस्टेबल, यू कैन एड दोज टू टेबल 6.1। आप अपने आप इसमें 6.1 में और चीज़ों को बढ़ा सकते हैं जो भी आपको लगते हैं कि कम्बस्टेबल हैं और नॉन कम्बस्टेबल हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कम्यूशन टेक प्लेस, किस टाइप के कम्यूशन के लिए ज़्यादा प्लेस लगता है, किस तरह का प्लेस चाहिए। ठीक है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल, बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है इस काम को करने के लिए। आप लोगों ने घर पर ये प्रैक्टिकल करके देखा होगा, ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग इसको करते देखते हैं। आप एक कैंडल को ले लीजिए बर्न करके, और उसको जब जला देंगे तो उस पर एक ग्लास रखिए, ग्लास अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो अच्छे से आपको दिखेगा भी, शो भी होगा। आप उसको जैसे ही उल्टा करके उसको रखते हैं तो उसमें एयर नहीं जा पाती है, और एयर नहीं जा पाती है दैट्स वाई कि वो बुझ जाती है। ठीक है, तो ये इसमें 6.2 में दिखाया गया। ये वाली एक्टिविटी आप ज़रूर लिखेंगे, एक्टिविटी 6.1 भी आपको कॉपी पर करना है ये वाला, और 6.2 को भी आपको कॉपी पर करना है। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, कई बार पूछा भी जाता है और लिखने के लिए भी आता है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। वी फाइंड दैट द फॉर कम्यूजन एयर इज़ नेसेसरी, द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक, इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। ओके, तो ये तीनों केस थे। इसका मतलब हमको एक बात पता चल गई कि कम्यूशन होने के लिए, कम्यूशन प्रोसेस के लिए एयर का होना बहुत ज़रूरी है। वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूस इट्स ऑन हीट एंड लाइट, इट इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ कम्यूजन। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाई द न्यूक्लियर, इसको आप क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे ये वाला और उसका ये आंसर लिखेंगे, कई बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इन द सन हीट एंड लाइट आर द प्रोड्यूस बाई द न्यूक्लियर रिएक्शन, यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। ओके, नाउ एक्टिविटी 6.3, प्लेस अ पीस ऑफ द बर्निंग वुड और द चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा, कवर इट विद ए ग्लास जार और ए टम्बलर ऑन ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, कैन यू थिंक एट द रीजन व्हाई इट स्टॉप बर्निंग, क्यों जलना वो बुझ जाता है। तो अभी अभी बताया था, एक ही एक्टिविटी से हमको ये समझ में आ रहा था, अभी दूसरी एक्टिविटी में भी इसी प्रकार के
प्रैक्टिकल को समझाया गया कि जरने के लिए यानी कि बर्निंग होने के लिए एयर का होना बहुत ज़रूरी है और एयर में भी ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये एक एग्जांपल भी उसमें दिखाया गया किस तरह से फायर लग जाती है तो क्या प्रॉब्लम रहती है। ओके, ट्रीज वगैरह, ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड ए पर्सन हुज क्लोथ्स कॉट फायर। ठीक है, जब कोई जल जाता है तो उसके चारों ओर ब्लैंकेट क्यों डाला जाता है, ये सब भी हम इसी में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डू दीज एक्सपीरियंसिस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये तो हमें पता ही है कि अलग अलग सब्सटेंस का जो है वो टेम्परेचर जो उसको जलने वाला टेम्परेचर कहते हैं और इसको कहते हैं हम बेसिक केमिस्ट्री की वीडियोस में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसको हम क्वथनांक गलनांक इस टाइप के नेम से जानते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इस टाइप होते हैं। तो उसी में आपका क्रिटिकल टेम्परेचर भी होता है, क्रांतिक ताप भी होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वो फायर को कैच कर सकता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। तो वो अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है। ओके, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच इज ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है, इसका स्टार्टिंग टेम्परेचर कहलाता है। कौन सा ऐसा टेम्परेचर, तो ये आपकी एक हेडिंग बनेगी, फिर से नई हेडिंग रहेगी आपकी इग्निशन टेम्परेचर, और इसके बारे में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ओके, कैन यू टेल नाउ व्हाई ए मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ऑन एट रूम टेम्परेचर, व्हाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ। ये भी आप एक तरीके से क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे और उसका आंसर भी आप लिख दे सकते हैं। बिकॉज जब हम रबिंग करते हैं तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और दैट्स वाई कि वो फायर कैच कर लेता है अकॉर्डिंग टू रूम टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड मैजेस्टिक कैन नॉट कैच दी फायर। ओके, और ये आप नोट करके लिखेंगे, बहुत ही अच्छी हिस्ट्री इसमें पूछी गई है, नोट करके आप इसको लिखेंगे। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द मैजेस्टिक इज़ वेरी ओल्ड, मोर देन 5000 ईयर्स एगो स्मॉल पीसेज ऑफ द पिन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैचेस इन एंशिएंट इजिप्ट। ओके, द मॉडर्न सेफ्टी मैच वाज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर एगो, 200 साल पहले ही इस तरह की मैच स्टिक्स बनी है, उससे पहले क्या थी, वुडन स्ट्रिप्स को केवल और सल्फर में डुबो करके और बना लिया जाता था। अ मिक्सचर ऑफ द एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस विथ सम ग्लू एंड स्टार्च वाज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ ए मैच मेड ऑफ सूटेबल वुड देन स्ट्रक अगेंस्ट रफ सरफेस वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्नाइटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन दिस स्टार्टेड द कंफ्यूजन ऑफ द मैच हाउएवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस एंड फॉर द यूजर्स, दोनों के लिए हार्मफुल होता है वाइट फॉस्फोरस, पी से इसको डिनोट करते हैं कैपिटल पी। दीज डेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट, द रविंग सरफेस हैज़ पाउडर ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस विच इज़ मच लेस डेंजरस वेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रविंग। तो ये पूरा दिया गया है, इसको स्टोरी को आप लिख सकते हैं, पूरा हिस्ट्री है मैच बॉक्स की, आप कभी पूछ भी सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से उसमें रेड फॉस्फोरस नावे डेज यूज़ किया जाता है, उससे पहले क्या होता था वाइट फॉस्फोरस यूज होता था, कौन सा वाला फॉस्फोरस ज़्यादा हार्मफुल होता है, वाइट वाला फॉस्फोरस ज़्यादा हार्मफुल होता है ना, इस टाइप के स्मॉल क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। तो आप इसको भी अपनी कॉपी पर नोट करके लिखेंगे और इसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग अपने आप बनाना चाहें तो बना कर लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी फाइंड दैट अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ ही रहा है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज किप्ड, आपने देखा होगा कई बार, या अपनी मम्मी वगैरह को देख सकते हैं जब फ्राई पैन में हम कुछ लोग करते हैं गर्म करते हैं, या जैसे कि घर में रायता बनाते हैं ना रायता, तब ऐसा कंडीशन होती है कि जब उसमें किचन की भाषा में कहूँ तो वो छोंक लगाते हैं, है ना, उसमें इस तरह से, तो उसमें फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो उसका रीज़न यही है। ठीक है, बट इफ वुड इज हीटेड ए लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट वुड। तो इसमें से आपको एक चीज़ बात पता चली कि वुड और केरोसिन ऑयल में से किसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, तो केरोसिन ऑयल का होता है, इसलिए वो जल्दी आग पकड़ लेता है, फायर कैच कर लेता है। ओके, डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन द स्टोरिंग केरोसिन ऑयल, द फॉलोइंग एक्टिविटीज शोन दैट द एसेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। ये एक 6.4 आप एक्सरसाइज को करके देखते हैं, ये वाली भी आपको कॉपी में कर लेनी है एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
व्हाट हैपेंस टू एम्प्टी पेपर कप, व्हाट हैपेंस टू द ईएसी के बारे में है, आप लोग इजीली कर लेंगे मेरे ख्याल से, समझ में आता है। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप, कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू वाटर बाई द कंडक्शन, तो ये एक प्रोसेस हो गई कंडक्शन की, कंडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज़ नॉट रीच्ड, हैंस इट डज नॉट बर्न। द सबस्टेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। तो ये एक आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो गई नोट्स के रूप में, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज, और कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। एग्जाम्पल ऑफ द इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज आर द पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी एटसेट्रा। कैन यू लिस्ट द सम मोर इनफ्लेमेबल, तो ले सकते हैं इसमें केरोसिन ऑयल वगैरह, ये सब इसी में आ जाएंगे। ओके, नाउ हाउ डू वी द कंट्रोल फायर, कैसे आप फायर को कंट्रोल करते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड ऑफ द फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। इफ यू हैव सीन, आपने स्कूल में भी देखा होगा कि जो फायर को रोकने वाले यंत्र लगे होते हैं एक तरीके से, उसमें बोतल टाइप की रेड कलर की टंगी होती हैं हर जगह, जहाँ भी कहीं बड़े में बड़े स्थान पर जाएंगे तो वहाँ इसी तरीके की फायर ब्रिगेड की चीज़ें लगी होती हैं। फायर ब्रिगेड भी एक टीम आपने देखी होगी। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया, तो ये भी आप देख सकते हैं पूरे देश में अब तो एक ही नंबर फायर ब्रिगेड के लिए या इसी टाइप की चीज़ों के लिए 112 नंबर जारी कर दिया गया है, ठीक है। 100 नंबर पुलिस के लिए होता है, तो इसी तरीके से 112 भी हेल्पलाइन के लिए है। डज योर सिटी टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन, हर एक सिटी में मेरे ख्याल से होता है, आप भी अपने यहाँ से पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेरी वाला क्वेश्चन हो जाता है, बच्चे आसानी से जा करके देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड टीम से मिल सकते हैं, कैसे वो एक एक्सपीरियंस है, आप लोग करके देखिएगा अपने मम्मी पापा की इजाज़त के साथ। When a fire brigade arrives, what does it do? It pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. This prevents the fire from spreading. ठीक है, फैलने से उसको रोकता है। क्या करते हैं वो लोग, पानी को छिड़काव करते हैं जिसकी वजह से जो ignition temperature होता है किसी भी चीज़ का वो below हो जाता है और वो आग कैच नहीं कर पाती है। फिर आगे चलते हैं। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोड्यूसिंग फायर, कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स। तो क्या क्या चीज़ें थी, एक तो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए जो भी उसका है, दूसरा चाहिए एयर, ठीक है, तीसरा चाहिए फ्यूल। ओके, तो दीज आर दी फ्यूल, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। देखिए जो मैंने अभी बताई थी वही चीज़ें आ गई, तो इसको भी आप क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देयर आर 3, तो आप इसको लिखेंगे द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, तो नंबर 1 फर्स्ट फ्यूल, नंबर 2 एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड नंबर 3 हीट। ओके, इसी टाइप से लिख लेंगे तो ये नोट्स के रूप में बन जाएंगे। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय द रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स, द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंगशर इज़ टू कट ऑफ सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ, दोनों के लिए। नोटिस दैट द फ्यूल, देखिए इस टाइप के आपने देखे होंगे, स्कूल्स में भी देखे होंगे और अच्छे जहाँ दुकान वगैरह हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह हैं, वहाँ आप लोग देखते हैं इन सबको, ये भी लिख सकते हैं। इसको भी आपको नोट करके अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है, इसके बारे में बताया गया, डिस्क्राइब किया गया कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें CO2 भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये इसमें दिखाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंगशर, CO2 being heavier than the oxygen covers the fire like a blanket। एक तरीके से ऐसे मानिए जैसे कि मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँ, ये फ्यूल है, ये मैंने कुछ फ्यूल सा यहाँ रख दिया और यहाँ जो है ये एयर है, एयर में ऑक्सीजन है, जैसे ही इसके टच में आएगी तो ये जलने लग जाएगी, लेकिन जब हम CO2 लगा देंगे तो ये CO2 क्या करेगी, इस पर एक इस प्रकार से छाता अम्ब्रेला टाइप का बना देगी, एक लेयर ऐसी बना देगी जो उसमें ऑक्सीजन जो है वो फ्यूल से कनेक्ट नहीं हो पाएगी, उसका जो कनेक्शन है उसको तोड़ देगी। दैट्स वाई कि जो फिर CO2 है वो फिर आग को लगने से रोक लेती है, आग को बुझा देती है। ओके, तो ये एक कंसेप्ट इसमें काम करता है, यही लिखा भी है इसमें, तो आप इसको लिख सकते हैं। इन द मोस्ट केसेस कैन नॉट बी द एलिमिनेटेड इट, फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल, पूरे की पूरी बिल्डिंग। तो कई बार देखा होगा आपने, अभी हाल ही में ये केसेस हुआ था असम में, जो वहाँ पेट्रोलियम वगैरह का जो नेचुरल गैस है उसका जो
कुआ है, वेल है, उसमें आग लग गई, उसको हम बुझा नहीं पा रहे थे, उसका रीज़न यही था। ओके, जब पूरा का पूरा बिल्डिंग या पूरी की पूरी बॉडी ही फ्यूल है तो उसको आग को बुझाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाता है। ओके, टाइप ऑफ द कम्यूज़न, अब देखिए कम्यूज़न के टाइप, कम्यूज़न क्या है ये हमको पता चल गया, और कुछ अदर डेफिनेशंस भी हमको पता चल गई हैं क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ द कम्यूज़न। कम्यूज़न कितने टाइप का होता है? ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और एक गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन, टर्न ऑन द एक नोब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड द प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सच द कम्यूज़न इज नोन एज द रैपिड कम्यूज़न। तो फर्स्ट टाइप का कम्यूज़न कौन सा टाइप का हुआ? रैपिड कम्यूज़न हुआ। कौन सा हुआ? रैपिड कम्यूज़न। देयर आर, इसकी भी डेफिनेशन यहाँ से लिख लेंगे, देयर आर द सब्सटेंस लाइक द फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर, द टाइप ऑफ द कम्यूज़न इन विच अ मटेरियल सडनली बर्न्स इन टू द फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कम्यूज़न। ठीक है, तो सेकेंड टाइप का कैसा हुआ कम्यूज़न? स्पॉन्टेनियस हो गया। ओके, और इसको भी आप नोट करके लिखेंगे, यहाँ पर ये वाला जो येलो कलर में लिखा हुआ है इसको नोट करके लिखेंगे आप। इसमें दिया गया है द स्पॉन्टेनियस कम्यूज़न ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टरस फायर्स इन कोल माइंस, है ना, बहुत सारी जगह जो कोल माइंस हैं विशेष रूप से बिहार झारखंड में मिलती हैं कोल माइंस, तो वहाँ पर इसी टाइप का डिजास्टर आते हैं। किसकी वजह से? द कम्यूज़न ऑफ कोल की वजह से। क्यों? क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस कम्यूज़न ग्रो करता है। ठीक है, वी जनरली हैव द फायर वर्कस ऑन अ फेस्टिवल डेज, आपने देखे होंगे दिवाली वगैरह पर हम लोग पटाखे वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर भी इसी टाइप की डिजास्टर्स आ जाते हैं कहीं ना कहीं चीज़ें। व्हेन अ क्रैकर इज द इग्निटेड अ सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड, अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज द लिबरेटेड, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। इसको देखिए नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी एक्सप्लोजन। तो जितने भी बम वगैरह होते हैं वो सब क्या होते हैं? एक्सप्लोजन के ही रूप में काम करते हैं, कम्यूज़न करते हैं। तो एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ़ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। ओके, सो नेक्स्ट आपका बड़ी हेडिंग रहेगी फ्लेम। फ्लेम क्या है? ठीक है, लॉ एक के रूप में जिसे हम कह सकते हैं वो क्या है? ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम? ये आप ऑब्जर्व ज़रूर कीजिएगा, इसके बाद ही लिखिएगा। कई जगह पर जो फ्लेम है उसके कलर जो है वो तीन तीन चार चार तरह के हो जाते हैं, कई जगह ऑरेंज फिर रेड फिर येलो या ब्लूइश इस तरह से हो जाते हैं, सेवन कलर्स तक मिल जाते हैं कभी कभी। किसी किसी जगह पर फ्लेम का कलर ग्रीन भी हो जाता है। तो रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास सेवन, इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ द बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ, आप इनको कर सकते हैं। कैम्फर है, कपूर हो गया, उसको जलाकर देखिए, कैंडल को जलाकर देखिए, किरोसन स्टोव को जलाकर देखिए, चारकोल को जलाकर देखिए, तो उसकी जो फ्लेम है उसको देखिए, उसके कलर क्या क्या है। ओके, सो नाउ ये टेबल भी आप बनाएंगे, 6.2 वाली टेबल को आप ज़रूर बनाएंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, फ्लेम का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है, इसको समझने के लिए उन्होंने एक एक्टिविटी ली है, एक्टिविटी 6.5, लाइट अ कैंडल, कैंडल को जलाइए, बहुत ज़्यादा केयरफुली रखना है इस काम को क्योंकि हीट हो सकता है, गर्म हो सकता है, जला सकता है आपको। होल्ड अ 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ ए नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। ओके, ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। ठीक है, डू यू सी ए फ्लेम कॉट एज, ये इस तरह का प्रैक्टिकल आप लोग अकेले मत करिएगा, बिना टीचर की एब्सेंस के ये मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी इंट्रोड्यूस ए क्लीन ग्लास प्लेट स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, होल्ड इट देयर विद ए पेयर ऑफ द टंग्स फॉर अबाउट 10 सेकेंड, देन रिमूव इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो डिफरेंट टाइप के आपको ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। ठीक है, द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग गिव फ्लेम, फॉर एग्जाम्पल किरोसिन ऑयल एंड द मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज्ड ड्यूरिंग द बर्निंग एंड द फॉर्म फ्लेम्स चारकोल। ओके, तो ये एक प्रैक्टिकल है, उसके थ्रू से आप करके देख सकते हैं कि किस टाइप के फ्लेम आपको मिलते हैं, ये जब एक जो कैंडल है उसको जलाया जाता है, बर्न किया जाता है। अ सर्कुलर ब्लैक रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड, इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ द अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। तो उस पर धुआं, वो धुआं भी नहीं कहेंगे एक्चुअली में, उसमें वही है कि छोटे छोटे से पार्टिकल ऑफ कार्बन है जो कि जले नहीं है,
और वो उस पर जा कर के चिपक जाते हैं। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। नोटिस दैट द पोर्सन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ ए हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, तो ये जो बिल्कुल ये इस तरीके से दिखाया गया, ये जो पोर्सन है ये, ठीक है ना, ये जो है लीस्ट हॉट पार्ट कहलाता है, जबकि ये जो है वो हॉटेस्ट पार्ट कहलाता है। ठीक है, आउटर जोन जो है वो हॉटेस्ट पार्ट रहता है। ठीक है, इसलिए आपने बहुत सारे जादूगरों को देखा होगा कि वो इस जगह से उसको हाथ से पकड़ के बुझा देते हैं, लेकिन आप लोग कभी ऐसा मत कर बैठना। ले जादूगर लोग जो हैं वो इसी जगह से, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत लोएस्ट रहता है, लीस्ट हॉट रहता है, कम गर्म रहता है। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम विद ए मेटेलिक ब्लू पाइप फॉर ए मेल्टिंग। तो ये भी जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार लोग होते हैं, वो इसी तरीके से उसको मेल्ट करते हैं, गोल्ड को और सिल्वर को, और फिर अपना जो भी उन्हें बनाने होते हैं आभूषण अलंकार वो बनाते हैं। ठीक है, वॉट इज़ ए फ्यूल। रिकॉल दैट द सोर्स ऑफ ए हीट एनर्जी फॉर द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एयर मेनली वुड चारकोल पेट्रोल केरोसिन एटसेट्रा दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल्स। तो आप एक बार फिर से लिख सकते हैं यहाँ पर फ्यूल की डेफिनेशन, फ्यूल हेडिंग डालेंगे और इतनी बात लिखेंगे। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ द रेडली अवेलेबल, इट इज़ चीप, इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट, इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। तो इसको ऐसा ना लिख करके आप ये लिखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड फ्यूल। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड फ्यूल, और उसको नंबर वाइज दीजिएगा। नंबर वन तो ये हो गया कि वो चीप होना चाहिए, नंबर टू ये हो गया कि रेडली अवेलेबल होना चाहिए, नंबर थ्री हो गया कि बर्न्स ईजिली इन एयर होना चाहिए, मॉडरेट रेट पर बर्न करना चाहिए, इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट होना चाहिए, और नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज, यानी कि पॉल्यूशन करने वाला भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो फ्यूल कैसा कहलाता है, गुड फ्यूल कहलाता है या आइडियल फ्यूल कहलाता है। ठीक है, वी शुड लुक फॉर ए फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर यूज़। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फैमिलियर टू यू, ग्रुप देम एज सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स। ठीक है, तो फ्यूल एफिशिएंसी भी नेक्स्ट आपकी एडिंग रहेगी, फ्यूल की एफिशिएंसी भी होती है। सपोज़ यू वर आस्क्ड टू बॉयल ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउडंग पोल एंड एलपीजी एज फ्यूल। तो एलपीजी से आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, तो यही चीज़ इसमें आएगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन द कम्प्लीट कम्यूजिंग ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट किलो जूल। ठीक है, kg, इस तरह से किलो जूल पर kg। ठीक है, इसको किलो जूल कहते हैं, kg से डिनोट करते हैं इसी तरीके से, तो आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखिए, ये टेबल ज़रूर आप बनाइएगा 6.4, बहुत सारे फ्यूल के बारे में और उनके किलो जूल के बारे में बताया गया, तो आप इससे अमाउंट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा जो फ्यूल है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जिसकी जो कैलोरी वाली यानी किलो जूल पर केजी की जो वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू जो है, वो जितनी अच्छी होगी वो फ्यूल उतना ही अच्छा होगा, आइडियल होगा। ठीक है, इसके बाद में ये भी आपको नोट करके लिखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद में ये भी लिखना है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। तो नंबर एक तो यही हो गया कि कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड कोल पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन, और जो क्या करता है, बहुत सारा नुकसान करता है। ठीक है, सेकंड हो गया इनकम्प्लीट कम्यूजन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो वो भी हमारे लिए क्या हार्मफुल है अपने एनवायरनमेंट के लिए। और नंबर थ्री है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है इसी वजह से, और नंबर फोर एसिड रेन वगैरह सब इसी की वजह से होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिखेंगे, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा, चारों के चारों डिटेल में लिखना है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, इसके अकॉर्डिंग हमने इन सारी चीज़ों का स्टडी किया है। एसिड रेन हम जानते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू हम जानते हैं, कम्बीजन जानते हैं, डिफॉरेस्टेशन जानते हैं, एक्सप्लोजन जानते हैं, फ्लेम जानते हैं, फायर एक्सटिंगसर जानते हैं, फ्यूल जानते हैं। ओके, अभी मैं ज़रा दो एक चीज़ों को और देखता हूँ, इसके बाद में देखिए ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। लिस्ट द कंडीशन अंडर विच कम्बीजन कैन टेक प्लेस। ठीक है ना, कम्बीजन किस कंडीशन के थ्रू हो सकता है, तो हमने बताया इन तीन कंडीशन उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज ऑफ एयर। तो ये एक्सरसाइज अब आपसे हो जाएगी, सारी चीज़ हमने बता दी हैं, और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स की भी मैंने सीट बना ली है, वो भी मैं अभी पहुँचाता हूँ। और अभी ज़रा फटाफट से पहुँचते हैं किस पर, वर्कशीट पर। ठीक है, देखिए बच्चों, ये आपको दिख रही है एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर द कम्बीजन एंड फ्लेम साइंस। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं,
और उन क्वेश्चंस को जो आंसर्स हैं एक्सरसाइज के वो आप यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं इसमें, आपको आराम से दिख रहे हैं, मुझे बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लिस्ट दी कंडीशंस अंडर विच कमीशन कैन टेक प्लेस, तो वही चीज़ें हैं, प्रेजेंस ऑफ ए फ्यूल, एयर और द इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो हमने जो बताया था वही तीन इसके आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर टू है, उसके जो फिल इन दी ब्लैंक्स थे उसके आंसर्स हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, आंसर्स को लिख सकते हैं, ओके। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री का देखिए ये आपके आंसर सब जगहेंगे। और क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर में आपको केवल क्या करना था, कंपेयर करना था एलपीजी का और वुड का, वो किस टाइप के फ्यूल है, तो दोनों को कंपेयर करके बताया गया और फाइनली एलपीजी जो है वो अच्छा फ्यूल है कंपेयरिंग टू वुड। क्वेश्चन नंबर फाइव है, गिव द रीजंस, सारे चीज़ों के रीज़न पूछे हैं, ए बी सी, वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि जो वाटर है वो इलेक्ट्रिक का कंडक्टर हो जाता है और उसमें आपको बिजली पकड़ सकती है, इसलिए हम बिजली से लगने वाली आग को कभी भी वाटर से नहीं कंट्रोल करते हैं, ओके। तो ये आंसर्स आपके हो गए ए बी सी तीनों के लिए, बहुत अच्छे से आंसर दिए गए, आप लोग वीडियो को पॉज करके और आंसर्स को लिख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पूरा का पूरा वही जो फिगर बना हुआ था वही चीज़ें बनानी है, लेबल डायग्राम ऑफ ए कैंडल फ्लेम, ओके। क्वेश्चन नंबर सेवन है, जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं, और उसके क्वेश्चन नंबर एट है, क्वेश्चन नंबर नाइन है, ये आप देख सकते हैं। मैंने आप ही के लिए ये चीज़ें ले ली हैं और अभी एक अलग से सीट भी तैयार की है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वहाँ तक भी आपको लेके चलते हैं अभी। व्हाट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमने बताया था किलो जूल पर के जी के रूप में होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 4.5 के जी ऑफ फ्यूल होता है वो 1,80,000 किलो जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैन द प्रोसेस ऑफ द रस्टिंग बी कॉल्ड द कम्बशन, डिस्कस। कम्बशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड गिव्स एन एनर्जी, ठीक है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन द एक्सोथर्मिक प्रोसेस एज हीट इज द रिलीज ड्यूरिंग द रस्टिंग, हेंस इट इज काइंड ऑफ ए स्लो कम्बशन, ओके। तो कम्बशन कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया, काफ़ी लंबा क्वेश्चन था लेकिन उसको कर लिया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर। प्यारे बच्चों देखिए ये एक और वर्कशीट है कम्बशन एंड फ्लेम पर, तो नेम द फॉलोइंग द मटेरियल्स विच प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग इन एयर, तो कोई मटेरियल का नेम बताना है जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है एयर में जलाने पर। तो अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बताया था, मैग्नीशियम जो है जब उसको जलाते हैं तो MgO बनाता है। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ए फॉस्फोरस, इसका भी आप देख सकते हैं जो चैप्टर में पढ़ाया है। मिक्सचर ऑन विच साइड ऑफ मैच बॉक्स इज कोटेड, ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हैं। मटेरियल्स विच एग्जिबिट स्लो कम्बशन, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, आप इनको ईजिली देख सकते हैं, कर भी सकते हैं, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ऐसे ऐसे का आंसर लें। टिक दी करेक्ट आंसर, तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ले रखे हैं। विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द कम्बस्टेबल सबस्टेंसेस, तो ये भी बताना है, आप बता सकते हैं ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेचुरल गैसेस का आंसर हो जाएगा। वो आर द पीपल वो इंट्रोड्यूस्ड द मैच स्टिक्स, इंडियंस थे या अमेरिकन थे, इजिप्टियंस थे, तो इजिप्टियंस इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, मीथेन गैस है, बायोगैस है, हाइड्रोजन गैस है, किसका है, टेबल में से देख करके आप बताएंगे, मैं नहीं आंसर बताऊंगा, आपको खुद करना है, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। अब चलते हैं ज़रा इसके एक और पार्ट पर, ये एक पार्ट में हो गया, इसके बाद दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, आई थिंक ये आपको अच्छे से दिखेगा अभी। ये देखिए पार्ट सेकंड है, ये भी बहुत अच्छी वर्कशीट मैंने तैयार करी है कम्बशन एंड फ्लेम के ऊपर। यहाँ आपको जो चित्र से फिगर से आपने देखा था कि क्या लेबल्स हैं उसके फ्लेम के, तो वो सब इसमें लिखना है। द हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, अनबर्नड वैक्स का वाला पार्ट कहाँ रहता है, तो वो आप देख सकते हैं। ये देखिए अगर प्रैक्टिकल के थ्रू इसमें ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है तो ये आप लिख सकते हैं, पार्ट ए में क्या होगा, पार्ट बी में क्या होगा, केस ए केस बी बनाकर। इसके बाद में देखिए मैच द सूटेबल एंड द अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट यू विल यूज़ द कंट्रोल फायर इन द डिफरेंट केसेस, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट अगर हो रहा है तो आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वाटर का प्रयोग नहीं करेंगे। अ मैन कॉट विद फायर, तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया, मैच द सूटेबल एंड द अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, ओके। तो अ मैन कॉट विद फायर, तो ब्लैंकेट से उसको उड़ा देंगे, ठीक है ना। और शॉर्ट सर्किट से लगी है तो कैसे करेंगे, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, उसमें वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द गैस हेल्पफुल इन द कम्बशन इज़, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम्बशन विच प्रोड्यूस बोथ हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट दोनों देता है, कौन सा होता है वो, तो इसमें से आपको देख करके बताना है।
द फ्यूल विद हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इज़, इसमें से भी बताना, मैं एक भी आंसर नहीं बताऊंगा, आपको खुद करना है। टेबल आपको बता दी गई थी, चैप्टर में आपको बता दिया गया। तो इन क्वेश्चंस को भी आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में जो मैंने भी एक सीट तैयार की है उसको दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत की है मैंने और बहुत अच्छी आपको दिखने लायक। ये है क्लास एयर चैप्टर 6 कम्बिजन एंड फ्लेम पर आधारित, नेम भी दे दिया है प्रिपेयर्ड बाय करके। चलिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसमें आप करेक्ट ऑप्शंस देख सकते हैं। विच द पॉइजनस गैस इज़ फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कम्बिजन। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस इसमें डाले हैं, इन ए बी सी डी इस तरह के हैं। आप इसको ईजिली वीडियो को पॉज करके या स्क्रीन शॉट लेकर देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सुंदर सी बनाई है PDF ताकि आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स, नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन द ट्रेड एंड इंडस्ट्री, व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर द रनिंग ऑटोमोबाइल्स। तो ये अलग अलग छोटे छोटे से क्वेश्चन बनाए, इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे और अदर क्वेश्चंस भी। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायरमेंट फॉर द कम्बिजन, तो ये भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप कर सकते हैं ईजिली। इसके बाद में देखिए, एक्सेस आंसर्स ऑफ द साइंस NCERT क्लास 8 चैप्टर 6, ये NCERT के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, तो वो भी आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इससे पहले मैंने एक और सीट में आपको आंसर्स प्रोवाइड करा दिए थे, मैंने यहां पर भी ये आंसर्स दे दिए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ईजिली, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर इसके सॉल्यूशन हो गए फिल इन द ब्लैंक्स के, ये भी इससे आगे की चीज़ें आ गई, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस हो गए, ये सब वही हैं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल, तो यहाँ देखिए कंपेयर दे दी गई है, ठीक है। गिव द रीज़न, ये आपका हो गया, ठीक है। ये भी सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे चीज़ों को ले लिया। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट है अगर आप इतना काम कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैंने इसमें लिख दिया है कि डू सेल्फ विद दी हेल्प ऑफ टीचर और विद दी हेल्प ऑफ बुक, तो आप अपने आप भी करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ में ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाता है और लगभग सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 13 क्वेश्चन है और 13 के क्वेश्चन के आप आंसर्स ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिए, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी लोगों को बताइए। और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स रख सकते हैं और शेष आगे की इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर मिल जाएगी। और इसी प्रकार से अपने यूट्यूब चैनल को प्यार देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और इसी प्रकार से स्टडी करते रहिए। और स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।